इनमें से कौन सा लीप वर्ष है? दोस्तों आप 0 सेकंड के अंदर पहचान सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको पता करने की कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, देखिए कोई भी वर्ष में 4 से भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरी लग जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है। दोस्तों अगर हम 2011 में 4 से भाग देंगे तो बहुत समय लगेगा दोस्तों, तो इसी समय को बचत करने के लिए ये ट्रिक मैं लाया हूँ, जो कि आप 0 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, कोई वर्ष का लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है, उसमें देखना कि 4 से पूरा पूरी भाग लग रहा है। देखिए 11 में 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। 13 में 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बी ऑप्शन भी गलत है। देखिए 14 में 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, सी ऑप्शन भी गलत है। देखिए 16 में 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है लीप वर्ष है, तो 2016 एक लीप वर्ष है। तो दोस्तों चलिए सेम टाइप का एक और सवाल लेते हैं, इनमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? अब 0 सेकंड के अंदर पहचान सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को पकड़ना है, कोई वर्ष का लास्ट 2 डिजिट को पकड़ना है और उसमें देखना है कि 4 से पूरा पूरी भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 4 से पूरा पूरी भाग लग रहा है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। देखिए 75 में 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। देखिए 70 में 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, बी ऑप्शन भी गलत है। 15 में 4 से पूरा पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा, सी ऑप्शन गलत है। देखिए 96 में 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 1996 एक लीप वर्ष है, 1996 एक लीप वर्ष है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।